हेलो एवरीवन, आज हम आपको ईमेल के सभी ऑप्शंस के बारे में बताएंगे कि किस ऑप्शन का क्या यूज है और इसका हम यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें ईमेल को यूज करना है, कैसे हम लोग ईमेल को यूज करते हैं, क्या उसका यूज है वो सीखना है, तो सबसे पहले हमें किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना होगा। उस ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको एक मेल को ओपन करना होगा, जिस मेल में आप सीखना चाहते हैं या जिस मेल में आप वर्क करना चाहते हैं उस मेल को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको एक पासवर्ड इनपुट करना होगा, जो भी आपने मेल को क्रिएट करते टाइम पासवर्ड इनपुट किया था, यानी पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को इनपुट करेंगे। जैसे ही आप पासवर्ड इनपुट करेंगे हमारा मेल क्या होगा, लॉगिन हो जाएगा। मेल को लॉगिन करने के बाद सबसे पहला हमारे पास में एक ऑप्शन आता है कंपास। कंपास का मतलब है कि हमें जो मेल भेजना है, हमें एक नया मेल क्रिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक मेल इनपुट कर देंगे, यानी हम लोगों ने एक मेल भेजा है जिसको मैं मेल को हम यानी हम सिंगल पर्सन को हम मेल भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक मेल इनपुट करेंगे। उसके बाद अगर किसी और दूसरे पर्सन को सेम मेल हमें फॉरवर्ड करना है तो वो भी हम यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर तीन एक पर्सन और अभी आपको ऐड करना है तो यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी अगर और भी आपको ऐड करना है तो सिंपल आप यहाँ पे ऐड करते जाइए, आपका यहाँ पे मेल ऐड होता जाएगा। आप एक से ज्यादा 100, 200, 500, 1000, 2000 मेल एक साथ में कर सकते हैं। यदि आपको बल्क मेलिंग करना है या बल्क में मेल भेजना है तो यहाँ पर आप सभी मेल को इनपुट कर दीजिए और अपना सब्जेक्ट इनपुट कीजिए, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मेल करना चाहते हैं। जैसे हम लोगों को अभी क्या करना है, अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि बल्क में मैसेज कैसे करते हैं, मेल कैसे करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं बल्क मेल टेस्ट। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पूरा जो भी क्वेरी है जिस रिलेटेड आप भेजना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, वहाँ यहाँ पर आप पूरा टेक्स्ट लिख सकते हैं। यदि आप अटैचमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अटैचमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक से ज्यादा भी 2, 4, 5, 6, 8, 10 भी अटैचमेंट कर सकते हैं, जितना आप अटैचमेंट भेजना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेंड बटन पे जाना है और सेंड बटन पे जाके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा मेल सेंट हो चुका है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि हमारा मेल गया है या नहीं गया है, आप देख सकते हैं हमारा मेल जा चुका है। आप ये भी देख सकते हैं कि किस किस पे हमारा मेल गया है, आईसीएसएम 2018 काशिप 770836 और आईसीएसएम 2018, यानी 3 से 4, 5 मेल पे एक साथ में हमारा मेल जा चुका है। तो ये देखा कि हमने हम मेल कैसे करते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में इनबॉक्स, यानी जो मेल हमारे पास में आता है उनका हम लोग कैसे देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम लोगों का आने वाला जो मेल है उनको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है इनबॉक्स के अंदर ही कि मेल को हम लोग फॉरवर्ड, रिप्ले, फिल्टर, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सभी ऑप्शन इन 3 डॉट्स के अंदर है, आप उन ऑप्शन पे क्लिक करके आप अगर रिप्ले पे क्लिक करते हैं तो आपको जिस मेल से मेल आया है एज इट इज उस मेल पे आप लोग रिप्ले कर सकते हैं। यदि आप फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं तो आप उस मेल को अदर किसी दूसरी मेल पर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी ए से आपका मेल आया और बी पे भी आप, सी पे भी आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको मेल को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट करके, प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे आप ट्रांसलेट पे क्लिक करके ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको मेल को स्टार्ट में लगाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मेल को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप मेल सिलेक्ट करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये मेल क्या होगा, आपके स्टार्ट में पहुंच जाएगा। तो उसको देखने के लिए हमें स्टार्ट पर क्लिक करना होगा, तो आप देख सकते हैं ये मेल हमारे पास में स्टार्ट में आ चुका है। उसके बाद सेंट मेल में वो मेल आता है जो मेल हमारा सेंट हो चुका है। ड्राफ्ट में वो मेल आता है ना, तो अभी हम लोगों ने वो सेंट आने वाला मेल भी नहीं है, भेजने वाला मेल है, यानी हमने एक मेल बनाया था बट हम उसको भेज नहीं पाए, तो हमारा मेल ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में पहुंच जाएगा। इम्पोर्टेंट मेल वे हैं जिनको हम लोग इम्पोर्टेंट ट्रिक कर क्लिक करके रखे हैं और वहां से हम लोग इम्पोर्टेंट से उस मेल को देख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं मेल को शेड्यूल, अगर आप लोगों ने करा हुआ है तो यहाँ पर आप शेड्यूल में मेल देख सकते हैं। सभी मेल जो आने वाली मेल है वो यहाँ पर शो करेगा। स्पैम मेल, कुछ मेल ऐसी होती है जो आ तो जाती है बट वो इनबॉक्स में शो नहीं होती है, तो उसको आप स्पैम मेल में देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा मेल का एक पार्ट है, हम मेल कैसे करते हैं, क्या इसका यूज होता है, हम लोगों ने इस पार्ट में आपको वो बताया है। यदि आपका मेल से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।